एमएम का जो बना है मशीन्स, ये देखिए 128 एमएम का हम ट्रायल ले रहे हैं अभी, आपको सामने अभी पीछे रोल्स लगा है और अभी हम ट्रायल कर रहे हैं और जाने दे रहे हैं अभी मशीन आने। इसके आगे स्टैंड बनता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा आएगा, 20 फुट का निकालो, 30 फुट का निकालो, बस काटो अनिल भाई, काटो इसको। देखिए अभी वापस आपका ये पट्टी है, आगे चल रहा है अभी, ये देखिए रुपया नहीं पड़ा, एक मिनट है, इसको पकड़ के रखिए अनिल भाई, हम जाने दे रहे हैं। देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री घूम रहा है, देखिए आपका इतना ही शटल बनेगा, जितना मंडी खोलना हो उतना खोल सकते हैं। देख लीजिए पूरा ये हो गया शटर, काटिए नहीं, ये देखिए इस मंडी को और खोलना हो तो बड़ी वाली खुल सकती है, पूरा खोलना हो तो इसको खोल सकती है, इसको थोड़ा पीछे मिलो रही है, 2-3 mm पीछे लो। इसका सेटिंग यहाँ पे दे रखा 2-3 mm का बस, हाँ बस और थोड़ा ना, हो गया बस, ये हो गया आपका दूसरा, हो गया। देखिए यहाँ पे खुल गया, आपको जितना खोलना चाहते थे यहाँ पे खुल गया, अभी आपका मिंडी घुमाने तो घूमेगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से काटिए अनिल भाई, इधर से आगे से काटिए थोड़ा सा, और आगे जाने दे रहा हूँ, अभी हमने मिंडी को खोला है, अब आगे जाने दे रहा हूँ, आप इधर आइए थोड़ा, देखिए आप आ जाइए ना इधर, आप देखिए अभी आगे, अरे आप दूर रहिए अनिल भाई, अभी इसको काटिए आप, कितना है, ये वाला जो काटा हुआ, देखिए अभी जो अपना जो प्रॉब्लम आ रही थी ना आपको मंडी की, देखिए अभी ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, हमने मंडी खोल दिया थोड़ा सा, अब ये पूरा 90 घूमेगा, ये निकलेगा नहीं निकलेगा, 90 पूरा घूम गया, थोड़ा कम घूम रहा था इधर से, थोड़ा खोल दिया तो 90 घूमेगा, ये देखिए पूरा, ठीक है। सब सेटिंग इसमें तलवार होती है तो तलवार की, अगर ऐसी तलवार हो रही जिस तरफ तलवार जा रही ना उसी तरफ से यहाँ से दबा देना तो तलवार सीधी हो जाती, अगर मान लो यहाँ तलवार जा रही तो ये यहाँ से दबाओ, यहाँ तलवार जा रही है तो ये यहाँ से दबाओ तो आपकी तलवार सीधी हो जाएगी, अगर आपकी पट्टी धनुष हो रही ऐसी हो रही तो इसको दोनों को ऊपर कर दो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये है पूरा कंप्लीट है, अभी थोड़ा ना ले दूसरा डिज़ाइन निकाल के दिखा रहे हैं अभी हम, चालू रखिए स्टॉक और चालू रखिए, अभी बराबर उधर से बना दे रहे, एक जगह खड़े रहो, और मेरे को पूरा मुश्किल लग रहा है, आप जगह खड़े रहिए, देखिए इजीली हो गया, ये
घूमने लग गया, ये आपका डिज़ाइन चेंज हुआ, ये रोड आप घूमने लग गया। अनिल भाई यहाँ से अपना डिप्टी डिजाइन था, अभी अपना लाइनिंग आ गया, फोर लाइनिंग आ गया, देखिए फोर लाइनिंग आ गया। अब जैसे डिज़ाइन चेंज होती है वैसे आपको मिंडी का भी सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ले लिया था इधर गेप, तो आपको ये मिंडी यहाँ पे दब गई। अब इसका क्या करना है, इसको पीछे लोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है, इसके आगे वाले डिज़ाइन है तो इसको पीछे लेना पड़ेगा थोड़ा सा नॉर्मल। अभी देख लीजिए वहां से हमने पीछे ले लिया, अभी आगे आए जब कितना है, हो गया। अभी यहाँ से काट दो, यहाँ से ये फर्क हो गया, हमने मिंडी यहाँ पे दबा दी, ये फर्क हो गया, काट दिया। डिजाइन चेंज होना है, खाली इतना करना है बस। तो हो गया आपका सैंपल, ये देखिए अभी हम इस सैंपल को इधर घुसाते हैं, ये हो रहा, अगर इसको और मोड़ना है इधर तो यहाँ से थोड़ा पीछे ले लीजिए, हो जाएगा, देखिए हो गया 90 डिग्री, कोई निकलेगा नहीं, एकदम ओके है, ओके। ये हो गया दूसरा डिजाइन आपका, अभी दूसरा देखिए, ले रहा है राजकुमार भाई, हाँ ले, हो गया गेयर बैठ गया, बोलो ये देखिए, अब इसको थोड़ा और ऊपर लेना है, और हो गया देखिए, थोड़ा देखिए हो गया, आप लोग हो गया ना दीदी, आप ये देखो ये फ्री हो गया, अब ये डिजाइन लग गया आपका, ठीक है, बस बस छोड़ दीजिए। अब देखिए लाइनिंग खत्म हो गया, तीसरा डिजाइन है और चौथा डिजाइन प्लेन है, ये देखिए आपके सामने भी आएगा। अभी इस बार भी आपका वही प्रॉब्लम हुआ कि मिंडी ज़्यादा दब गया, इसको थोड़ा पीछे ले लीजिए, एक थोड़ा सा सेटिंग करना है खाली, आपका हो जाएगा, क्योंकि लाइनिंग कम ज़्यादा होती है तो एक मिंडी का सेटअप आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा पीछे लीजिए। जैसे डिज़ाइन चेंज हुआ थोड़ा सेटअप अप डाउन होता है, वो सेटअप अप डाउन आपको इधर से ही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा दब जाएगा तो ये इसमें पतरा चला जाएगा, ठीक है। अभी हम ले रहे देखिए, बस थोड़ा आगे लीजिए, यहाँ खुल गया यहाँ दब गया, थोड़ा आगे लीजिए और लीजिए, और लीजिए थोड़ा, बस ओके, और थोड़ा आगे लीजिए, लीजिए थोड़ा, बस
डिजाइन आपका चेंज हो गया। काट लीजिए, अगर आपका इसमें फर्ज बराबर रहा है, मिनी एक बोर्ड बराबर हो रहा है तो ठीक है, अगर इसको और मोड़ना है तो थोड़ा एक एमएम और पीछे ले लीजिए, जितना हो रहा है बराबर है, ये हो गया। और एक आपका फोर्थ डिजाइन है वो यहाँ पर प्लेन आ रहा है, अगर ये तीनों को उठा लेते हो तो प्लेन आ जाएगा, इसका यही सेटिंग है। अगर इसको आगे जाके सीधा बैठ जाएगा नीचे, अगर आपका ऐसा धनुष होता है तो इसको थोड़ा दोनों ऊपर ले लो, फिनिश बंद करो।